जबलपुर में विकास यात्रा का आज गरिमामय समापन किया गया। इस मौके पर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों ने भाजपा नेताओं से एक राशन दुकान द्वारा अनियमितताएं करने की शिकायत की, जिसको लेकर पूर्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने तत्काल ही कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से इस संबंध में चर्चा करते हुए कार्रवाई करने के लिए कहा, जिसकी जाँच जब खाद्य विभाग के अधिकारियों ने की तो राशन दुकान में कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद खाद्य अधिकारियों ने दुकान को सील कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने बताया कि जबलपुर में विकास यात्रा के दौरान जहां अधिकारियों के साथ पहुंचकर भाजपा नेताओं के द्वारा आम जनता के कार्य मौके पर किए जा रहे हैं, वहीं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने उनके क्षेत्र में एक राशन दुकान संचालक द्वारा मनमानी किए जाने की शिकायत की थी, जिस शिकायत को कलेक्ट्रेट में संज्ञान में लाया गया, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गयी तो मौके पर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते उक्त राशन दुकान को खाद्य विभाग ने सील कर दिया है और मामले की जांच की जा रही है। विकास यात्रा पश्चिम विधानसभा की निकल रही थी, हम 18 वार्डों से होकर निकले। आज उस यात्रा का समापन इंदिरा गांधी वार्ड में होना था। लगभग 29,21,00,000 रुपये के भूमि पूजन और विकास के कार्य किए गए हैं। विकास यात्रा के दौरान जो फॉर्मेट तय हुआ था उसमें आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन, साथ ही राशन की दुकानें, स्कूल और यदि कोई थाने और ऐसी सरकारी संस्थाएं पड़ती हैं तो उसके निरीक्षण में अधिकारी हमारे साथ, SDM, तहसीलदार, ये सारे अधिकारी, फूड के अधिकारी चल रहे थे। आज इंदिरा गांधी वार्ड के अंतर्गत एक राशन दुकान में वहां पर हितग्राहियों ने शिकायत की कि ये राशन दुकान वाले 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ जो लोगों को मिलता है अन्न योजना के माध्यम से, उसमें तौल में गड़बड़ी करते हैं, हितग्राहियों से अभद्रता करते हैं। ये सारी अनियमितताएं जब देखी गईं तो तत्काल मैंने कलेक्टर महोदय से बात की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कलेक्टर महोदय का कि उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत उच्च अधिकारियों को भेजा और उस राशन दुकान को तत्काल सील किया गया, क्योंकि विकास यात्रा निकल रही है, जनता के हित की ये यात्रा है, अनियमितता पाई जाएगी तो उस पर कार्यवाही की गई और मैं प्रशासन के लिए इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं।